शरीफा भी। अम्मी बता कर नहीं गई कि वो कहाँ गई? वो शायद हानिया बीबी के साथ सायरा बेगम के घर गई हैं। सायरा आंटी के घर गई हैं? मैंने ऐसे ही सुना था। प्लीज आप मेरा नाम मत लीजिएगा। हुमैरा बेगम जिद कर रही थी वहां जाने की। हानिया बीबी तो मना कर रही थी उनको। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, तुम कब आए? अम्मी आप मुझे पिक करने का कहकर कहाँ चली गई थी? मैं ये बाजार तक गई थी। मैं अच्छा हानिया मैं चलती हूँ। नहीं ताई अम्मी बैठे, वो मुझे लेने आया ना, एक मिनट मैं आती हूँ। तुम अम्मी को सायरा आंटी के घर क्यों लेकर गई थी? मैं नहीं लेकर गई थी। तो मम्मी को माफी मांगने के लिए लेकर गई थी ना? वो इस ख्वाहिश का इजहार बार बार कर चुकी हैं। मैं जो पूछना है तायमी से पूछूं, मुझसे कोई सवाल मत कर। क्या हो हन्ना? अब सायरा आंटी के घर उनसे माफी मांगने के लिए गई थी? हाँ, अपनी गलती तस्लीम करने में क्या आज है? अम्मी हम लोग कब तक दूसरों के गुनाहों पर अपना नाम लिखवाते रहेंगे? कब तक अपनी बेगुनाही का सबूत देते रहेंगे? पत्थर पे सर मारने से सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जख्म लगता है, पत्थर को कुछ नहीं होता। इसकी बातों का भूलो मत मनाना। जख्मी हुआ है और जख्म तो दर्द करेंगे ना।